हेलो स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 5 होगा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का, है ना। सेमेस्टर 2 CC5 रांची यूनिवर्सिटी के लिए हम डेडिकेटेड कोर्सेज करवा रहे हैं। और ध्यान रहे, रांची यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, 2-4 नंबर्स के ही पूछे जाएंगे। बाकी आपका कोर्स जो होगा सब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसीलिए लोग सब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ रहे हैं और बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस के लेक्चर्स तक हमने बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको याद हो तो लेक्चर 1 में हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था, हमने कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस वगैरह के बारे में सीखा था। फिर लेक्चर 2 में क्या सीखा था हमने, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन सीखा था। लेक्चर नंबर 3 में क्या देखा था हमने, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फिर लास्ट के लेक्चर्स में हमने कुछ और एग्जांपल्स देखे थे जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 लेक्चर्स में जो एग्जांपल्स वगैरह करवाया गया है वो सारी चीजें आपको क्लियर है। और आज के क्लास में हम लोग कुछ बेसिक बेसिक से थ्योरम्स जो सीधा सीधे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, और एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, हाँ फिर से एक बार बता दें कि लेक्चर नंबर 5 है, आज की क्लास का जो मेन टॉपिक अपना है एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। क्या है एडिशन थ्योरम, देखिए हम आगे बढ़ाए क्लास को, लेकिन पहले से चीजें लिखी हुई है और ये सब जो है ना आपको दिख रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एस इक्वल टू 1। पी ऑफ एस मतलब कि श्योर इवेंट, फिर पी ऑफ फाइव इक्वल टू जो मतलब फाइव मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। ये सारी बातें हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको याद दिलाएं कि अगर मान के चला जाए कि कोई आपने रेंडम एक्सपेरिमेंट करा, जैसे कि एक लूडो का पासा है, डाई है, इसको आपने थ्रो कर दिया। क्या आपने थ्रो कर दिया, लूडो के पासे को थ्रो कर दिया। आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि लूडो के पासे को जब आप थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा जी। सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 या 5 या 6, यही ना 6 में से कोई आ सकता है, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अच्छा, अब कोई एक इवेंट बना लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए इसका एक इवेंट बनाते हैं हम कि एक इवेंट है ई जिसके अंदर है 1 है 2 है और 3 है, दिस इज द इवेंट। इवेंट का मतलब होता है ईसीएस के अंदर का पार्ट, मतलब ईसीएस का सबसेट को इवेंट बोलते हैं। ये बात तो ठीक है जी कि एक्सपेरिमेंट था, ये सैंपल स्पेस हो गया, ये एक इवेंट हो गया, और भी इवेंट हो सकते हैं। आपको पता है इन सभी चीजों को डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं हम, कि मतलब ये अगर सैंपल स्पेस एस है ना, तो इसको मान लीजिए कि इतना बड़ा सा रेक्टेंगल से हम दिखा दिए, अगर ये इतना बड़ा सा एस है तो उसके हिसाब से ई क्या होगा, छोटू सा अंदर में ई होगा। देख लीजिए ई, अगर इसको हम ई बोल रहे हैं, मतलब इतना बड़ा एस बोल रहे हैं, ये रेक्टेंगल एस है तो उसके अंदर ये 1, 2, 3 छोटा सा है, बात समझे। तो इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम, के किसी सेट को हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो अब हम ये इवेंट को यहाँ ई से रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं, सिंपल स्पेस को इस रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। अब थ्योरम्स क्या बोलता है, अच्छा अगर हम आपसे एक बात पूछे कि बताइए ई क्या है, ई क्या है जी, ई एक इवेंट है जिसमें 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे ई क्या है, ये वाला ई है। अब ई डैश का मतलब ई जो नहीं है वो कौन कौन है, मतलब ई के बाहर, कंप्लीमेंट वाला बात बता रहे हैं जो हमने पढ़ाया भी था आपको प्रीवियस तक। तो ई का कंप्लीमेंट क्या होगा, ई को छोड़ करके जो हिस्सा बच रहा है इसके अंदर उसको बोलेंगे ई डैश, बात समझे। यहाँ पे ई और बाहर में क्या हो गया, ई डैश। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा कि ई को और ई डैश को अगर हम पूरा मिला दे, ई को ई मतलब इतना सा, ई डैश मतलब उसको छोड़ करके जो भी इसमें बच रहा है सब ई डैश है, ई को छोड़ करके अगर दोनों को हम मिला दे तो टोटल क्या बन जाएगा, एस बनेगा, बिल्कुल टोटल एस बन जाएगा। और टोटल जैसे ही एस बन गया तो भाई एस का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। अब कैसे होता है आगे हम प्रूफ भी करवाएंगे, एग्जाम में ना ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं प्रूफ के लिए। अच्छा एक बात आप मुझे बता दीजिए, हमको ये बात पता है क्या कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ही बराबर ई के अंदर कितना एलिमेंट है वो डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस के अंदर कितना एलिमेंट है वो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, यही ना फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, हम यही तक अभी तक जाने हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन से, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इन सब कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है उसको हम यहाँ यूज करते हैं। क्या बोल रहा है कि ई का प्रोबेबिलिटी और ई डैश का प्रोबेबिलिटी, ई डैश समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको समझाया ई है और ई के बाहर वाला, ई और ई डैश का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहली बात इसको कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए तो हम क्या नंबर 1 प्रूफ करने के लिए लेते हैं कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड ई बी द इवेंट। हम मान लेते हैं कि एस हमारा ये जो व्हाइट सा दिख रहा है ये हमारा सैंपल स्पेस है, ई अंदर में इवेंट है, ई के बाहर में जो डॉट 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 है येलो से वो ई डैश है, हमने लिख दिया। और क्या बोल रहा है कि लेट ई डैश बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ए, इवेंट ई मतलब ई डैश जो है वो ई का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्वियस है कि बाहर है तो कॉम्प्लीमेंट ही है।
अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, होगा कि नहीं होगा बताइए। कि ई में जितना एलिमेंट है और ई डैश में जितना एलिमेंट है दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल नंबर जो एस में है सब नहीं मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे पांच गो एलिमेंट है, इसके ई डैश में दस गो एलिमेंट है, टोटल कितना हो जाएगा पंद्रह गो। तो एस में टोटल कितना है पंद्रह एलिमेंट तो है, क्योंकि ई और ई डैश को मिलाने से पूरा एस बन जा रहा है। तो हमने लिखा है कि एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ ई डैश बराबर एन ऑफ एस, क्लियर। और अब हम क्या करते हैं पता है, दोनों साइड एन ऑफ एस से डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड्स, यहाँ पे एन ऑफ एस से, यहाँ भी एन ऑफ एस से, यहाँ भी एन ऑफ एस से, एन ऑफ एस नीचे में, एन ऑफ एस नीचे, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस कट के वन बन गया। आप बताइए आप ही लोग कि एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस क्या मतलब हो गया। अभी ना मैंने समझाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, तो ये इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एन ऑफ ई डैश बाई एन ऑफ एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश विच इज इक्वल टू वन। तो हमने यहाँ लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू वन, क्लियर। अब इसी तरीके से हमारा सेकंड रिजल्ट बोलता है, ये सेकंड प्रूफ करने के लिए कि सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ऑलवेज इक्वल टू वन होता है। ऑब्वियस है कि भाई सैंपल स्पेस मान लीजिए ये है और ये एस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी तो एक इवेंट हो गया ना जी सैंपल स्पेस का, क्योंकि हमने आपको सिखाया था प्रीवियस सर कि सैंपल स्पेस खुद भी अपने आप का एक इवेंट होता है। तो जब इसका आप निकालेगा प्रोबेबिलिटी तो इसके फेवर में क्या गो छे गो, टोटल क्या गो छे गो, छह बटा छह वन आ जाएगा। तो यही आगे सेकंड में प्रूव किया गया है कि वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट ए बराबर क्या होता है, पी ऑफ ए बराबर देखिए पी ऑफ ए बराबर क्या होता है एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। हमको तो ये बात पता है ना कि पी ऑफ ए एनी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस होता है। तो अगर यही हम पी ऑफ एस की बात कर लेंगे तो एस के अंदर कितना एलिमेंट है डिवाइड बाय टोटल एस के अंदर कितना एलिमेंट, तो भाई सेम की जगह तो कट के वन आ जाता है, सिंपल से है ना। नेक्स्ट आ जाइए, अब बोला है फाइव का प्रोबेबिलिटी वन होता है, हमको ये प्रूफ करना है। थर्ड नंबर फाइव का प्रोबेबिलिटी वन नहीं, फाइव का फाइव मतलब इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सिंस फाइ एंड एस आर कम्प्लीमेंट ऑफ इच अदर। आप सभी बच्चों को पता है कि फाइ और एस जो है आपस में कम्प्लीमेंट होता है। अब बोलिए कैसे, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एस है ठीक, और हम बोलते हैं फाइ, फाइ क्या होता है एस का सबसेट होता है ना जी। तो फाइ एक्चुअली में है कहाँ पे, फाइ का मतलब कुछ भी नहीं, फाइ का मतलब नथिंग। तो फाइ का कम्प्लीमेंट क्या होगा, जब कुछ है ही नहीं तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा। अब बोलिए पूरा क्यों, क्योंकि हम लोग कम्प्लीमेंट का मतलब जानते हैं कि एक सेट ए है उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, उसको छोड़कर के पूरे एस में जो बच रहा है वो कम्प्लीमेंट कराता है। तो फाई को छोड़ करके इसमें क्या बच रहा है, पूरा का पूरा एस बच रहा है। तो इसीलिए फाई और एस आपस में एक दूसरे कम्प्लीमेंट होते हैं। तो हमने अभी तुरंत पढ़ा था कि सेट और उसके कम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी वन के बराबर होता है। देखिए तो यहाँ पे सेट और उसके कम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू वन, तो फाई और एस का प्रोबेबिलिटी कितना, वन के बराबर। आप सबको तुरंत अभी पता है कि ये फाई पी ऑफ फाई रहने दीजिए, इस पी ऑफ एस को उधर भेजिए तो वन माइनस पी ऑफ एस, और तुरंत अभी भी हमने प्रूफ करा है कि पी ऑफ एस का वैल्यू कितना होता है वन। देखिए पी ऑफ एस का वैल्यू कितना होता है वन, तो यहाँ पे भी पी ऑफ एस के वन रख दिए तो वन माइनस वन जीरो। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू वन होता है इसीलिए तो जीरो हो गया, दिस इज प्रूफ। तो थर्ड नंबर यहाँ पे ऐसे प्रूफ होता है, बात समझ रहे हैं। ये सब छोटे छोटे रिजल्ट जो है आगे यूज करने को आएंगे, है ना। ये तो बात हो गया कि भाई हमने ये प्रूफ कर दिया ई और ई का कम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी का सम वन होता है, सैंपल स्पेस जो सैंपल स्पेस का प्रॉपर्टी जो होता है ऑलवेज इक्वल टू वन, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। पी ऑफ फाई जीरो के बराबर, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, फाई को बोलते हैं। अब बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ना हमेशा और हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर और वन से लेस देन इक्वल होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा जीरो के पीछे नेगेटिव चल जाए या वन से ज्यादा हो जाए प्रॉपर्टी, कभी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज विद इन जीरो एंड वन। ये एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज विद इन जीरो एंड वन। कैसे प्रूव करेंगे इस, मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के बीच लाई करता है, तो कैसे प्रूव करते हैं हम लोग। तो हमने सबसे पहले लिखा कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड ई बी एनी इवेंट, देन आपको पता है कि एस क्या है सैंपल स्पेस है, ई कोई भी इवेंट है, तो इवेंट है भाई। तो इवेंट अगर मान लीजिए यहाँ पे सैंपल स्पेस है एस और ई कोई इवेंट है तो श्योर है कि ये जो ई है फाई से बड़े बराबर हो रहा हो, मतलब फाई को अपने अंदर तो कंटेन कर ही रहा होगा ना ये, क्योंकि फाई तो सबके अंदर कंटेन होता है। तो फाई से बड़ा बराबर इवेंट हो रहा होगा, इवेंट से बड़ा बराबर कौन हो रहा होगा, एस, बहुत हो तो बराबर हो सकता है। तो यही चीज लिखा गया है यहाँ पे, फाई से बड़ा बराबर ई, ई से बड़ा बराबर एस। तो भैया जब ऐसा है तो इसके अंदर जितना एलिमेंट है, इसके अंदर जितना एलिमेंट, इसके अंदर जितना एलिमेंट, बड़ा ही होगा सब,
मतलब जितना एलिमेंट फाइव के अंदर उससे ज्यादा एलिमेंट होगा ई के अंदर उससे ज्यादा एलिमेंट होगा ये बहुत होगा तो बराबर हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइव, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ऐसा रिलेशन होगा। तीनों को डिवाइड कर दिए एन ऑफ एस से, एन ऑफ एस से तीनों को डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया फाइव का प्रोबेबिलिटी, ये क्या बन गया ई का प्रोबेबिलिटी, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस ई का प्रोबेबिलिटी, ये क्या बन गया एस का प्रोबेबिलिटी। और अभी हमने तुरंत प्रूफ किया था कि फाई का प्रायोरिटी जीरो होता है, एस का प्रायोरिटी वन होता है, तो नहीं हो गया, पी ऑफ ई इज ऑलवेज लाइज विद इन जीरो एंड वन, दिस इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को प्रूव करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला समझ में आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, अब क्या कहता है हमारा ये फोर्थ नंबर, बोलता है कि अगर ए बी का सबसेट है, मतलब सैंपल स्पेस के कॉन्सेप्ट में समझिए आप, मान लीजिए कि हमारा कुछ सैंपल स्पेस ऐसा है, ये इसमें दे दिया गया है इतना बड़ा सा बी है और इसके अंदर बोला गया है ए, हो सकता है कि नहीं। तो अब बोला गया कि अगर ए बी का सबसेट है, सबसेट है मतलब कि वो उसके अंदर है, मींस ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो ये ऐसा इंप्लाई करेगा कि ए का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो बी का प्रोबेबिलिटी से कम होगा। और ऐसे देख लीजिए ना, अंदर में है और ये बी बड़ा है, तो जिसका ज्यादा एरिया उसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, समझे बात। इसका जैसे कम एरिया है तो इसका कम प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे देखिए ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, सिंबल देखिए कौन सा है, यहाँ पे लेस देन इक्वल, किसका प्रोबेबिलिटी से कम होगा या बराबर होगा, यहाँ पे इस तरह सिंबल, इसमें ये सिंबल है। इसको हम लोग यहाँ पे कैसे प्रूफ करें जरा देखिए, हम जाने कि लेट एस बी द सिंपल स्पेस, हम जानते हैं कि सिंपल स्पेस है और सिंस चूंकि ये बी का सबसेट है तो इसके अंदर जितना एलिमेंट होगा, इसके अंदर जितना एलिमेंट होगा बी से बड़ा होगा, तभी ना जी सबसेट है, बहुत होगा तो बराबर हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल लेस देन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अब दोनों तरफ एस से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस से, इसको भी तो एन ऑफ एस से एन ऑफ एस से डिवाइड किया, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरीके से हम यहाँ प्रूफ कर पाए कि अगर ए बी का सबसेट है तो प्रोबेबिलिटी बी से छोटा होगा ए का, क्लियर। तो मुझे लग रहा है कि बातें आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो हमने पांच रिजल्ट्स प्रूफ किए ना, यहाँ पे ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और कहीं पे डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट से हम लोग से। देखिए इसके बाद स्टूडेंट आता है बात एडिशन थ्योरम्स का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के रांची यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये क्वेश्चन आप सबसे पूछ दिया जाए, तो रांची यूनिवर्सिटी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना जी। इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट क्लासेस में बात कर पाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, समझ रहे, पहले मल्टीप्लिकेशन, पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए ये प्रोबेबिलिटी, ये जो एडिशन थ्योरम्स आपको दिख रहा है लिखा हुआ पहले से दिख रहा है, ये कहता क्या है जरा हम समझाते हैं पहले आपको। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई एक सैंपल स्पेस है एस, हम इसको एक वेन डायग्राम से दिखा देते हैं, मान लीजिए दिस इज द सैंपल स्पेस एस, दिस इज आर सिंपल स्पेस एस। अब इसके बाद मान के चलते हैं कि एक इवेंट है ए और एक इवेंट है यहाँ पे ये बी है, और इस इवेंट का ना हम कलर कर देते हैं येलो, हमारे पास मान लीजिए एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है। अच्छा मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर्स में आपने पहले से सीखा भी होगा, मैंने बताया भी था कि दो सेट्स का यूनियन, भाई इवेंट है तो बेस सेट है तो दोनों का यूनियन कर दीजिए। तो जब आप यूनियन करिएगा, यूनियन मतलब समझ रहे ना, इसको मिला देना पूरा, दोनों को मिला देना, तो जब आप यूनियन करिएगा तो क्या क्या बनेगा आप सोच पा रहे हैं, ऐसे बनेगा क्या ये पूरा बनेगा यूनियन, जब आप दोनों को यूनियन करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो अब भाई जरा बात समझते हैं हम लोग, तो एडिशन थ्योरम यही कहता है कि कोई दो इवेंट है तो उसके यूनियन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। भाई एक बात मुझे समझाइए आप लोग कि अगर ये सैंपल स्पेस एस है तो इसके अंदर कुछ भी लीजिए होगा तो इसका सबसेट ही, मतलब होगा तो इवेंट ही, जैसे कि एक सबसेट ए था मतलब एक इवेंट ए था बी एक इवेंट था, दोनों का जब आप यूनियन करिएगा ना तो भी तो इवेंट ही बनेगा, यूनियन मतलब अभी तो अंदर ही है तो क्या होगा अभी भी सबसेट है, मींस ए यूनियन बी इज आल्सो एन इवेंट, ये भी तो इवेंट है। तो इस थ्योरम्स कहता है, एडिशन थ्योरम्स कहता है ए यूनियन बी जो होगा इसका प्रायोरिटी जो होगा वो बराबर होगा किसके प्रायोरिटी के बराबर, मतलब इस पूरे चीज का प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर हो किसके। तो आप एरिया कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए, तो भाई पूरे यू दोनों को मिला करके प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो पहले आप ए का प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर उसके बाद क्या करिए आप बी का प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप ए का प्रोबेबिलिटी जोड़ रहे थे तो ये वाला तो काउंट हो गया था, क्योंकि ए मतलब पूरा, जब बी को जोड़ रहे थे तब भी ये वाला फिर से काउंट हो गया, कई दो बार है क्या हम लोग यूनियन को लिखते समय रिपीट करते हैं, नहीं,
तो ए का पावर टी प्लस बी का पावर टी, बीच वाला दो बार काउंट हुआ तो एक बार घटा देते हैं, तो बीच वालों को घटा देंगे, तो बीच वालों को बोलते क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है ये, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का प्रॉपर्टी घटा देंगे। दिस इज अवर एडिशन थ्योरम एंड प्रॉपर्टी। तो एडिशन थ्योरम क्या बोलता है, ए यूनियन बी का प्रॉपर्टी जो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का प्रॉपर्टी बाहर घटा दीजिए उसको, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ सकता है, आपने अच्छा किया है, ऐसे ऐसे बनाया है, हो सकता है ना कि इवेंट, एक इवेंट ए हो यहाँ, एक इवेंट बी हो यहाँ पे ए यहाँ पे बी, तब तो कुछ घटाने वाला बात ही नहीं रहेगा, तब तो कुछ घटाने वाला बात ही नहीं होता, तो उस केस में घटाने वाला जीरो घटाइएगा, तो ये चीज इसी के बराबर हो जाएगा। उस केस में हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या आपस में थोड़ा डिपेंड नहीं कर रहा है, बात समझे। तो फिलहाल हम लोग चलिए इस एडिशन थ्योरम को प्रूव करते हैं, यही हमारा एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या बोलता है, ए यूनियन बी का प्रॉपर्टी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत से जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं, वो कब नहीं हो सकता है, जब ये दोनों आपस में अलग अलग हो, इंडिपेंडेंट हो तब, बट एक्चुअल एडिशन थ्योरम यही है, ठीक। देखिए हम क्या है, ए यूनियन बी को एक और हम लोग लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी एग्जाम में कैसे आएगा, अ स्टेट एंड प्रूफ एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला गया है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस एच, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी इज गिवन बाय अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी का बात हो रहा है, सीधा मतलब कि गिवन बाय क्या, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस सी ए, बात समझे। अब देखिएगा थोड़ा सा होगा कैसे, हम इसको काम कैसे करेंगे, इसमें हमको ये चीज प्रूव करना है ना, हम क्या करते हैं, एक सैंपल स्पेस लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक सैंपल स्पेस एस ले लेते हैं जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं स्मॉल एन है टोटल एलिमेंट इसके पास, कितना एलिमेंट है मान लीजिए स्मॉल एन एलिमेंट है, कितना एलिमेंट स्मॉल एन, इसके बाद एक ले लेते हैं यहाँ पे ए जिसके पास टोटल कितना एलिमेंट है एम वन है, एक ले लेते हैं बी जिसके पास कितना एलिमेंट है मान लीजिए एम टू है, एम टू है, ठीक। और यहाँ पे जो ये जो है हिस्सा, ये जो है हिस्सा उसके पास है मान लीजिए कि सिर्फ स्मॉल एम है। अब बोले कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है भाई कि अगर ए का प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि ए के अंदर कै गो एलिमेंट और डिवाइडेड बाई पूरे सैंपल स्पेस में कै गो एलिमेंट, समझ रहे बात। जैसे हम यहीं पे ए का, ए का प्रोबेबिलिटी अगर आपको चाहिए यहाँ पे मान लीजिए इसके हिसाब से ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, तो क्या हमने बोला है कि ए के अंदर कै गो एलिमेंट टोटल एम वन, तो एम वन हो गया डिवाइडेड बाई टोटल सैंपल स्पेस में कै गो एन हो, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी एम वन बाई एन जो हो गया ए का प्रोबेबिलिटी हो गया, एम टू बाई एन बी का प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इसीलिए हमने अभी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कंसिडर करने वाले हैं वो हम बता रहे हैं आपको। एक सैंपल स्पेस लेंगे, उस सैंपल स्पेस में हम बोल रहे हैं कि एस के अंदर एन एलिमेंट्स हैं टोटल, अच्छा बी के अंदर एम टू, इसके अंदर एम वन और इसके अंदर स्मॉल एम। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम बोले कि सिर्फ इतना के फेवर में कै गो एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा ये ए नहीं है, ओनली ए है, देखिए ए मतलब ये पूरा, लेकिन ओनली ए मतलब, ओनली ए मतलब सिर्फ है और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ए की बात करेंगे तो इतना ही होगा इतना, क्योंकि अगर हम ये वाला भी ले ले रहे हैं तो उसमें बी भी कंसिडर हो जा रहा है, थोड़ा सा बी भी आ जा रहा है, तो वो ओनली ए नहीं चलेगा, ओनली ए का मतलब सिर्फ ए, सिर्फ ए कहाँ तक है यहाँ तक। जो पिंक वाला हमने करा है उसका क्या होगा, पूरा में कितना था एम वन था, उसमें से ए घट गया मतलब एम घटा, तो इसका क्या होगा एम वन में से एम घटा दीजिए, तो इस वाले ओनली ए के फेवर में कहेगा M1 minus M, अच्छा फिर इधर ओनली B जरा देखिए, तो ये वाला देखिए ओनली B जरा देखिए, ओनली B मतलब पूरा B, यहाँ पूरा B में क्या वो था M2 था, इसमें से ये वाला घटा दीजिए तो क्या बोलेंगे M2 में से M घटा दीजिए। ये जो दो तीन बातें हमने यहाँ कंसिडर कराई कि पूरा सिंपल स्पेस में N एलिमेंट, A1 में सॉरी A में M1 एलिमेंट, B में M2 एलिमेंट, बीच वाले में M, इंटरसेक्शन में M, फिर ओनली M M1 minus M हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। अब अगले स्टेप में काम हो जाएगा खत्म, देखिए जैसे करेंगे यही सब लिखेंगे हम इसके प्रूफ में, देखिए कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे लिख रहे प्रूफ में कि लेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन एस,
इज इक्वल टू एन एलिमेंट्री इवेंट, मतलब समझ रहे एक करके जो एलिमेंट है, तो मतलब इसके अंदर टोटल कैगो एलिमेंट है तो हमने ले लिया एन। आगे बोल रहे हैं कि एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू इवेंट ए इक्वल टू एम1, कि मतलब ए के अंदर एम1 एलिमेंट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू बी इज इक्वल टू एम2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बीच में इंटरसेक्शन में कितना है एम। वही यहाँ पे डायग्राम में लिखा गया है कि इसका एन, इसमें m1, इसमें m2, बीच में m, इस ओनली m, m1 माइनस m, ऐसे। और लिखा भी गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ए ओनली में क्या होगा m1 माइनस m। फिर सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू b ओनली क्या होगा m2 माइनस m। बात यहां तक सब बच्चों क्लियर है। अब आगे जरा चलिए, हम क्या लिख रहे हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू a यूनियन b, कि अब a यूनियन b के फेवर में क्या है, इसको कैसे पता करेंगे। ए यूनियन बी तीन हिस्सों में बटा हुआ है, पिंक वाला ओनली ए, येलो वाला और इधर स्काई ब्लू वाला, तो इसके फेवर में क्या है वो m1 माइनस m, इसके फेवर में क्या है वो m, इसके फेवर में m2 माइनस m, तीनों को जोड़ दीजिए पूरे यूनियन के फेवर में आ जाएगा। तो हमने वही लिखा है कि m1 माइनस m प्लस m प्लस m2 माइनस m, बात समझे। पिंक वाले ये तीनों को जोड़ दिए तो आ गया, तो भाई m और एक माइनस m कट गया, बचा गया m1 प्लस m2 माइनस m, m1 प्लस m2 माइनस m। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके फेवर में क्या है, ये इतना एलिमेंट है, मतलब ए यूनियन बी के फेवर में कितना एलिमेंट है m1 प्लस m2 माइनस m, मतलब बोल सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं m1 प्लस m2 माइनस m, तो उतना उसके फेवर में है, मतलब वो उतना नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब आगे आइए, तो ये इसके मतलब इस इवेंट के फेवर में क्या हो गया इतना m1 प्लस m2 माइनस m, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर इसके फेवर में क्या, मतलब क्या एलिमेंट है इसके पास और डिवाइड बाय टोटल सिंपल स्पेस में क्या है। तो अभी तुरंत हम निकाले थे n ऑफ a यूनियन b बराबर m1 प्लस m2 माइनस m by इसका वैल्यू कितना n निकाले थे। अब ये n इसके नीचे, ये n इसके नीचे, ये n इसके नीचे, क्या बन जाएगा m1 by n plus m2 by n minus m by n। क्लियर रिलेशन नंबर वन। अभी तुरंत मैंने आप सबको बताया था कि m1 by n किसका प्रायोरिटी है a का, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं सिंस प्रायोरिटी ऑफ a बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a by नंबर ऑफ एलिमेंट इन s, a का एलिमेंट कितना m1 by n, ये हो गया प्रायोरिटी ऑफ ए, ये होगा प्रायोरिटी ऑफ बी, ये होगा प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन को फेवरेबल था, देख लीजिए ऐसे लिखा है। तो फाइनली बोलेंगे कि देयरफॉर फ्रॉम वन वी हैव इसका वैल्यू प्रायोरिटी ऑफ ए, प्रायोरिटी ऑफ बी, प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज यहाँ पर प्रूफ क्या कि प्रायोरिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हो गया यहाँ पर प्रूफ। अब यहाँ पर एक चीज और बोला गया है, नोट करिए, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एसोसिएटेड प्रूफ एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये चीज पूरा लिखने के बाद यहाँ तक करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप सबको नोट बता दें, जब हम लोग आगे थ्योरम वगैरह यूज करेंगे क्वेश्चन में तो उसमें हाँ काम आएगा। नोट नंबर वन, कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इंडिपेंडेंट अगर इवेंट रहेगा, अभी थोड़ा देर शुरुआत में समझाया भी देगी, अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा तो इंटरसेक्शन नहीं होगा, जीरो होगा, तो प्रॉबर्टी सिर्फ क्या होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, है ना। अगर इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन फाइव होगा, फाइव मतलब प्रॉपर्टी जीरो होगा, तो इंटरसेक्शन जो घटाते थे उसको नहीं घटाएंगे, यही होगा। क्लियर। और ये एक रूल भी बन जाता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा, इफ एंड ओनली जब इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये हो। क्लियर है। और बाकी कुछ यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ एडिशन थ्योरम से, जैसे जिस तरीके से हमने यहाँ पे दो के लिए बात कर रहा था, अब उस तरीके से तीन और चार पांच के लिए भी हो सकता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, पर फिलहाल ये आपको इतना ही आपके लिए है, बाकी ये बीएससी वालों के लिए है, बट फिर भी कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और कुछ खास है नहीं, तो बस इतना ही ध्यान रखना है। और बाकी आपको यहीं तक ये पढ़ना था, मैथमेटिकल के लिए इतना एनफ है, बाकी जो बीएससी और मेजर पेपर वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये वाला भी है, पर इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लास नोट्स हम एप्लीकेशन पे दे देंगे, वहाँ इंस्टॉल कर लीजिएगा डीएमए मैथमेटिक्स। बाकी इसके बाद हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में जी, थैंक यू।